ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाने वाला है डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम पे। नया वेन्यू है दोस्तों, नया फॉर्मेट है। वर्ल्ड कप पे हम लोग ODI के फॉर्मेट से खेल रहे थे, अब यहां पर T20 के हिसाब से हम लोगों ने अपनी टीम बनानी है और प्लेइंग 11 पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। तो क्या रहने वाली है दोनों टीमों की अपडेटेड प्लेइंग 11 और कैसे रहने वाला है YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम का पिच, सबसे पहले वो देख लेते हैं। बात करूं दोस्तों यहां पर खेले गए रीसेंट T20 मैचेस की, तो 2016 पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था, ये तो काफी पुराना मैच हो गया। बाकी रीसेंट मैच की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सबसे रीसेंट मैच दोस्तों यहां पर 2022 पे हुआ था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, ये मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मैच में क्या हुआ, इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग किया था, 179 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, 3 विकेट पेसर को मिले थे, 2 विकेट स्पिनर को मिले थे और साउथ अफ्रीका की टीम दोस्तों जब इस रन को चेस करने आई तो 131 रन बना पाई 10 विकेट के नुकसान पे, 5 विकेट पेसर को मिले थे और 4 विकेट स्पिनर को मिले थे। इस वाले मैच के स्टैट्स को अगर आप लोग देखते हो तो बॉलिंग वाले सेक्शन को अगर आप लोग देखोगे तो 8 विकेट यहां पर पेसर के पास है और स्पिनर के पास कितने है, 6 विकेट है। इसका मतलब क्या है, एक बैलेंस सा पिच है जहां पर पेसर और स्पिनर दोनों को इक्वल एडवांटेज है। सेकंड बात अगर आप लोग देखोगे, टीम इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए यहां पर 180 रन बना दिए 20 ओवर पे, इसका मतलब क्या है, रन भी यहां पर ठीक ठाक बने हैं। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप लोग मुझसे पूछोगे कि यहां पर पिच कैसा बिहेव करने वाला है तो एक बैलेंस सा पिच रहेगा दोस्तों, जहां पर बैट्समैन के लिए भी अच्छा खासा रहेगा और पेसर और स्पिनर दोनों के लिए इक्वल एडवांटेज रहेंगे। बाकी दोस्तों अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे पिच पे तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, उसे पक्का से ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि जो लाइव अपडेटेड पिच होगी दोस्तों इस मैच की वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ भी परेशानी ना रहे अपने लिए एक परफेक्ट टीम बनाने के लिए। बाकी यूट्यूब के चैनल को दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पूरी कंप्लीट प्लेइंग 11 चेंजेस है यहां पर, ठीक है ना। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे ईशान किशन आएंगे, उसके बाद तिलक वर्मा आएंगे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आएंगे। एक बात ध्यान रखना, हो सकता है सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा के ऊपर आए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद इस मैच में आप लोगों को शिवम दुबे खेलते हुए दिखेंगे और अक्षय पटेल भी खेलते हुए दिखेंगे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे अर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई, ये 3 तो फिक्स है। बाकी यहां पर मुकेश कुमार और आवेश खां, इन दोनों के बीच में डाउट है, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। तो ये आप लोगों के लिए अपडेटेड प्लेइंग 11 है टीम इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट आप लोगों को ओपन करते हुए दिखेंगे, डेविड वार्नर अनअवेलेबल है इस मैच के लिए, बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को स्टीवन स्मिथ दिखेंगे, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से ग्लेन मैक्सवेल दिखते हैं, फिर टिम डेविड दिखेंगे, फिर विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से मैथ्यू वेट दिखेंगे, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से आप लोगों को मार्कस स्टॉइनिश दिखेंगे। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन पे एडम जैम्पा, नाथन एलिस और जेसन बैरन ड्रॉफ, ये कंफर्म है। बाकी सीन अबर्ट और केन रिचर्डसन में से कोई भी एक खेलने आ सकता है, हाई चांसेस आप लोग मान के चलो अभी के टाइम पे सीन अबर्ट ही खेलेंगे, और टीम इंडिया पे अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो मुकेश कुमार के ही खेलने के ज्यादा चांसेस है। क्लियर है दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत कम कॉम्पिटिशन है दोस्तों, 20-30 लाख स्पॉट पे आप लोगों ने कंपीट करना है इस मैच पे। फर्स्ट प्राइस कितने का है, पूरे 1 करोड़ रुपए का है, और अगर आप लोग मेरे दिए गए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो 1 रुपए में आप लोगों को मौका मिलता है 1 करोड़ रुपए विन करने का। बाकी दोस्तों अगर आप लोग CRICK23 कोड को यूज कर लोगे, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे आप लोगों को 20% रियल एक्स्ट्रा कैश दिखेगा,
जीएसटी आप लोगों ने पे नहीं करना है, ऐप आपकी तरफ से जीएसटी पे कर रहा है। प्लस ₹1000 डालोगे, क्रिक 23 कोड को यूज करोगे, ₹1200 आते हैं, मतलब ₹200 का सीधा सीधा एडवांटेज है, मिस मत कीजिएगा। बाकी ₹1500 का इंस्टेंट बोनस है, जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे ₹1500 आप लोगों को तुरंत मिल जाएंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आप सभी लोगों को My11Circle ऐप का लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सेक्शन वाइज एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया पे आप लोगों को ईशान किशन दिखेंगे खेलते हुए। ईशान किशन के रीसेंट T20 फॉर्म देखोगे 4-19-1-6-27, इस वेन्यू में इन्होंने एक मैच खेला है जिसमें कि इन्होंने 54 रन किए थे। क्लियर, हेड टू हेड अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाकी T20 इंटरनेशनल करियर देखोगे तो 29 मैच में 24 का इनका एवरेज है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के टीम से आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे मैथ्यू वेड को देखो, बैटिंग नहीं दो, बैटिंग नहीं सात छह, बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड मैथ्यू वेड का बहुत शानदार है। यहां देखो 11 मैच में 51 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 80 का है, 50 तीन बार बना चुके हैं और ये तीनों 50 इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बनाया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो यहां से दोनों में से अगर आप लोगों को कोई प्लेयर पिक करना होगा ना तो यहां पर आप लोगों के लिए ईशान किशन ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। मैथ्यू वेड डाउन द लाइन काफी नीचे खेलने आते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को आप लोग नहीं लेते हो, मतलब टॉप ऑर्डर को ड्रॉप करते हो, तो उस कंडीशन पे मैथ्यू वेड को आप लोग पिक कर सकते हो, वरना ईशान किशन फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलने आएगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग वाले सेक्शन पे दोस्तों आप लोगों को टीम इंडिया पे यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव दिखते हैं। यशस्वी जायसवाल का रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा था, मुझे तो ऐसा लगता था ना कि इन्हें एक मौका भी मिलना चाहिए था ओडीआई फॉर्मेट पे भी। T20 पे 24-18, फिर सेंचुरी, फिर जीरो, फिर बैटिंग नहीं, बाकी 8 T20 इंटरनेशनल मैच में 38 के एवरेज से खेले हैं, 50 एक बार और सेंचुरी एक बार बना चुके हैं। प्लेयर शानदार है दोस्तों, लास्ट सीजन का IPL याद है ना, जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था इन्होंने लगभग हर मैच पे। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर मैं बात करूं तो 19-58-25-40 वेन्यू पे इन्होंने भी एक मैच खेले जिसमें इन्होंने भी 57 रन किए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी 14 T20 इंटरनेशनल मैच में 27 का इनका एवरेज है, 50 दो बार बना चुके हैं। तिलक वर्मा की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेयर शानदार है दोस्तों, देखो ना T20 पे देखो 10 मैच खेले हैं, 38 का इनका एवरेज है, बाकी 0-1-2-55 रन यहां बनाए थे, लेफ्ट हैंडेड है। अब क्या है ना, ओडीआई में इंडिया के पास क्या थे, राइट हैंडेड बैट्समैन थे, बट यहां पर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन आप लोगों को दिखने वाला है। सूर्य कुमार यादव ओडीआई पे अच्छे फॉर्म पे नहीं थे, बट ध्यान रखिएगा T20 आते ही बंदा जबरदस्त फॉर्म पे ऑटोमेटिक आ जाता है, टीम का कैप्टन भी रहने वाला है। बाकी परफॉर्मेंस देखोगे 21-1-83, बैटिंग नहीं 61, बाकी हेड टू हेड 3 मैच में 38 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 69 का है, 50 एक बार बना चुके हैं। T20 का करियर देखोगे 53 मैच में 46 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 117 का है, 50 15 बार और सेंचुरी 3 बार बना चुका है। तो यहां से आप लोगों के लिए यशस्वी जायसवाल इंपॉर्टेंट रहेगा, ऋतुराज गायकवाड़ इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। वैसे सूर्य कुमार यादव भी अच्छे फॉर्म पर आ जाता है, ओडीआई पे परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा पूरे वर्ल्ड कप में, बट T20 का प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ट्रेविस हेड दिखेगा आप लोगों को, 19-26-6-18-51, बाकी हेड टू हेड 4 मैच में 28 का इनका एवरेज है, ओडीआई पे अभी इंडिया को फाइनल हराने के पीछे सबसे बड़ा प्लेयर यही है, ठीक है ना, बट किस्मत लेकर आया था दोस्तों, बात यही थी कि विकेट पे बॉल लग ही नहीं रही थी, एक बार तो छूके भी निकली बट बेल्स नहीं गिरी, ठीक है ना, तो वो किस्मत थी उसकी, बट प्लेयर ठीक है। यहां पर क्या है ना, बॉलिंग भी करता हुआ आप लोगों को दिख सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडियन टीम पे बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड्स है, तो इसीलिए ये बॉलिंग भी करेगा प्लस साथ ही साथ बैटिंग भी करता है और ताबड़तोड़ खेलता है, T20 के फॉर्मेट से ही खेलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टीवन स्मिथ की अगर मैं बात करूं तो 8-9-17-7-4, बाकी कुछ खास फॉर्म नहीं रहा है, 63 मैच में 25 का इनका एवरेज है, हेड टू हेड 9 मैच में 22 का इनका एवरेज है। टिम डेविड की अगर मैं बात करूं तो ताबड़तोड़ प्लेयर है, टीम का फिनिशर है, 15-64 बैटिंग नहीं एक, बाकी 28 मैच में 36 का एवरेज है, टीम इंडिया के अगेंस्ट 3 मैच में 24 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 54 का है, 50 एक बार बना चुका है। ऑस्ट्रेलिया की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है तो एज अ फिनिशर खेलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। टिम डेविड भी आप लोगों को बॉलिंग करता हुआ दिख सकता है,
मतलब यहां पर ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टिम डेविड भी बॉलिंग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बॉलिंग करा सकते हैं दोनों, क्लियर है। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन में। ऑलराउंडर वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया पे हमें शिवम दुबे और अक्षय पटेल दिखेंगे। शिवम दुबे को लेने से एक सिक्स्थ बॉलर का एक ऑप्शन मिल जाता है टीम इंडिया को, क्लियर। बाकी अक्षय पटेल तो अपने पूरे ओवर डालेंगे, 13 रन 0 विकेट या 14 रन 1 विकेट 1 विकेट 13 रन। फिफ्थ डाउन पोजीशन पे खेलने आएंगे, स्पिन को भी ठीक ठाक एडवांटेज है। बाकी अगर देखोगे हेड टू हेड 3 मैच में 8 विकेट निकाल चुका है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई थी ना T20 विकेट्स निकाले थे। बाकी इस वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 1 विकेट निकाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिवम दुबे की अगर मैं बात करूं तो ये मीडियम पेस बॉलिंग करता है, 1-2 ओवर डाल सकता है। अगर जो 5 कोर बॉलर है, किसी भी बॉलर का दिन अच्छा नहीं रहता और उससे अच्छी बॉलिंग नहीं होती है, तो उस कंडीशन पे आप लोगों को शिवम दुबे भी बॉलिंग करता हुआ दिख सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी यहां देखोगे 22 रन विकेट लेस, 25 रन विकेट लेस, विकेट उतने मिलते नहीं है उसे, 18 मैच में 6 विकेट है, 25 का एवरेज है। फिनिशर खेलेगा एज अ टीम इंडिया के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अक्षय पटेल यहां से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पिक निकल कर आता है, क्लियर। बाकी ऑस्ट्रेलिया टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप लोगों को मैथ्यू शॉट, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस दिखते हैं। मैथ्यू शॉट की अगर मैं बात करूं तो ओपन करेगा ये ट्रेविस हेड के साथ, ये भी दोस्तों आप लोगों को बॉलिंग करता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। बाकी यहां पर देखो 20 रन 66 रन 0 रन, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। बाकी 3 मैच में 28 का एवरेज है, 50 से 1 बारी बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल की अगर मैं बात करूं तो 8 28 23 13 54 2 विकेट 1 विकेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ग्लेन मैक्सवेल आप लोगों के लिए। मार्कस स्टोइनिस इंपॉर्टेंट रह सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां देखो 35 रन 1 विकेट, यहां 25 रन, यहां 6 रन 3 विकेट, 37 रन 2 विकेट, मार्कस स्टोइनिस इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ऑलराउंडर वाले सेक्शन से सिंपल सा सेक्शन है, अक्षय पटेल, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस, ये तीनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, 1 लाख रुपए का। आप लोगों ने मुझे बताना है ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में कितना रन बनाएगा, प्लस बॉलिंग पे उसका क्या फिगर रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है 30 रन बनाएगा और 1 विकेट लेगा 18 रन देकर, तो नीचे कमेंट ऐसा कर दीजिएगा। सही जवाब आप लोगों को 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड विन करा सकता है। अब आ जाओ दोस्तों अपने ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे, सॉरी बॉलिंग वाले सेक्शन पे। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया पे आप लोगों को अर्षदीप सिंह, प्रशित कृष्णा, मुकेश कुमार और रवि बिश्नोई के खेलने के चांसेस ज्यादा है। अर्षदीप सिंह को देखो 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ओपन और डेथ पे बॉलिंग डालता है, डेथ पे बहुत अच्छी बॉलिंग डालता है, 36 मैच में 54 विकेट है, अच्छा बॉलर है, पिक करके चलिएगा। प्रशित कृष्णा की अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो विकेट निकाल कर देगा, 2-2 विकेट अभी तक, 2 T20 इंटरनेशनल मैच खेले, 4 विकेट निकाले, अच्छी स्पीड से बॉलिंग करता है, फर्स्ट इनिंग्स में इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। मुकेश कुमार 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, अभी तक कुछ खास नहीं रहा है, 5 मैच में 3 विकेट है। रवि बिश्नोई सेकंड इनिंग्स का इंपॉर्टेंट बॉलर दोस्तों, 16 मैच में 25 विकेट है, 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, क्लियर। तो यहां से अर्षदीप सिंह को तो पिक करना ही है, प्रशित कृष्णा फर्स्ट इनिंग्स में इंपॉर्टेंट रहेगा और रवि बिश्नोई सेकंड इनिंग्स में इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को सीन अबट, एडम जाम्पा, नेथन एलिस और जेसन बैरन ड्रॉफ दिखेंगे। सीन अबट दोस्तों एक अच्छा खासा ऑलराउंडर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी बैटिंग करता है। बाकी विकेट की बात करूं 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, बाकी हेड टू हेड 4 मैच में सिर्फ 1 ही विकेट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एडम जाम्पा अच्छे फॉर्म पे थे ओडीआई पे, 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, बाकी 14 मैच में 12 ही विकेट है, बाकी वेन्यू पे 1 मैच खेला है जिसपे 1 विकेट है। नेथन एलिस की अगर मैं बात करूं तो ये शानदार बॉलर है, 3 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट, 8 मैच में 18 विकेट है, 2.5 का एवरेज मान के चलो लगभग, इंपॉर्टेंट बॉलर नेथन एलिस। जेसन बैरन ड्रॉफ लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, टीम इंडिया थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, 1 विकेट 1 विकेट 0 0 2, बाकी 6 मैच में 7 विकेट है टीम इंडिया के अगेंस्ट। फर्स्ट इनिंग्स में आएगी तो जेसन बैरन ड्रॉफ को ट्राई करना, सेकंड इनिंग्स में एडम जाम्पा को ट्राई किया जा सकता, क्लियर है। बॉलिंग वाला सेक्शन ज्यादा कुछ खास है नहीं। बाकी अभी के टाइम पे दोस्तों जो मेरी टीम है उस टीम को देख लीजिए, बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन को आप लोग चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। ईशान किशन है यहां पर, ट्रेविस हेड है, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, बाकी आप लोग चाहो तो स्टीवन स्मिथ के बदले ना, यहां पर आप लोग चाहो तो अगर टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करती है तो सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा को ट्राई कर सकते हो, अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है। सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आती है तो इन्हीं तीन के साथ जाना और उस कंडीशन पे स्टीवन स्मिथ को ही ट्राई कर सकते हो आप लोग, या तो स्टीवन स्मिथ के बदले एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो।
बाकी ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और अक्षय पटेल है, बाकी यहाँ पर अर्षदीप सिंह है, नाथन एलिस और एडम जंपा है। आप लोग चाहो तो स्टीवन स्मिथ के बदले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रवि बिश्नोई का ऑप्शन बताया था मैंने, मुकेश कुमार का ऑप्शन बताया था, जेसन बैरन ड्रॉफ का ऑप्शन बताया था, जो ऑप्शन बताए थे जिस हिसाब से उस हिसाब से पिक कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर देखो, ग्लेन मैक्सवेल और मार्कस स्टोइनिस ये दो दिख रहे हैं, इनमें से कोई आप लोगों को एक पक्का से इस मैच पे वाइस कैप्टन का कंटेंडर बनेगा। कैप्टन का कंटेंडर दोस्तों, एक तो डेथ के बॉलर्स बन सकते हैं, दूसरा यहां से ट्रेविस हेड बन सकता है कैप्टन का कंटेंडर, और टीम इंडिया के जो ओपनर है ऋतुराज गायकवाड़, तो वैसे थोड़ा ज्यादा जल्दी आउट हो जाता है, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, इन्हें ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन, क्लियर। बट इन्हें मतलब ऑलराउंडर वाले सेक्शन को भी ट्राई कीजिएगा, मतलब ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक बैलेंस सा मैच ये जाने वाला है, क्लियर है। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने आप सभी लोगों को बताया माई इलेवन सर्कल आप पर, आप सभी लोगों के पास मौका है सिर्फ एक रुपए में करोड़पति बनने का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक के थ्रू आपको पक्का से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस खेल में आदत लगना और आर्थिक जोखिम संभव है, आप सभी लोग जिम्मेदारी से खेलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।